पब्लिक पर बोझ बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या करें और क्या करें, पब्लिक मर रही है ना। 200 रुपए किलो तेल बिक रहा है, मोदी जी की आंख बच गई है क्या? पब्लिक कितनी मर रही है, चीनी 42 रुपए किलो हो गई, कहीं ध्यान है मोदी जी का? तेजी पर कहीं ध्यान है? पब्लिक किस तरह से मर रही है, एक खाली वो गेहूँ बांट रहे हैं, सबको पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। योगी और मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, इनका गुनाह इनको भोगना पड़ेगा। देश में गरीब जनता किसी पर खाने के लिए है, किसी पर नहीं है, किसी पर पेट्रोल भराने के लिए है, किसी पर नहीं है, कहाँ से क्या काम होगा ये बताइए, योगी मोदी जी से पूछिए। योगी जी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और ये बहुत सारे बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं। आज तक कुछ वादे जितने किए आज तक कुछ वादे उनके पूरे नहीं हुए, खाली देश में खाने के लिए आए, खिलाने को किस गरीबी को गरीब को नहीं आए। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं समाचार 24। पेट्रोल महंगा, सोना महंगा, महंगा हुआ मकान, दाल महंगी, दवा महंगी, महंगी है जान। जिस एक तरफ जहां किसानों की जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के दामों की। आपने क्रिकेट के शतक के बारे में तो सुना ही होगा, कभी विराट कोहली के बल्ले से तो कभी धोनी के बल्ले से, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मोदी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। जी हाँ, हम पेट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पेट्रोल कितनी तेजी से आसमान छू रहा है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं लोगों से कि इस बारे में लोगों की क्या राय है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। बहुत तेजी से पेट्रोल बढ़ रहा है, आपकी क्या राय है इसको लेकर? बहुत बढ़िया राय है, सही है, बढ़ रहा है, सही है, और बढ़ जाना चाहिए। नहीं क्यों? अरे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अभी तो आपने कहा सही है, महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई कम होना चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब अभी पेट्रोल बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए बिल्कुल ड्रॉप कर देना चाहिए और रेट कम डाउन करना चाहिए। जिम्मेदार किसको मान रहे हैं इसको लेकर? तो मोदी है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो सर, जो राज्य में जो सरकार है उसमें जिम्मेदार है, अगर वो चाहे तो उसको चाहती है तो हो जाए कम, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम थोड़ी देर कान में बात चल रही है। हमारे साथ यहाँ पे काफी सारे लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, काफी भीड़ भी लग रही है और डेली ये लोग पेट्रोल डलवाते हैं, तो देखते हैं इनके बजट पे क्या असर पड़ा। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल बहुत तेजी से बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, काफी तेज बढ़ रहा है, गलत बढ़ रहा है, गलत बढ़ रहा है। अच्छा ये बताइए कि इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब ऐसे किसी को ब्लेम तो कर नहीं सकते। क्यों? अब जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, अब वो सिस्टम तो अपने पता नहीं है ना। तो क्या मतलब आपके बजट पे कोई फर्क पड़ा? मतलब बजट पे तो फर्क काफी पड़ रहा है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कम तो होना चाहिए क्योंकि काफी सारी चीजें बढ़ रही है, ये भी कम होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर? पेट्रोल मंदी होनी चाहिए, और पेट्रोल मंदी होनी चाहिए। कोई असर पड़ा आपके ऊपर इसका? पेट्रोल मतलब महंगा हो गया, आपकी जेब पर कोई असर पड़ा ना? ये गाड़ी नहीं चल रही, हम पेट्रोल नहीं चल रही, क्या नहीं? फिर क्या कहना चाहेंगे, किसको जिम्मेदार? 200 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए में जाकर लोगे हम, क्या 200 रुपए में कुछ नहीं कर पाते हैं हम, 300 रुपए 100 रुपए इसको चाहिए, हम क्या कर लेंगे? पेट्रोल मद्दा होना चाहिए ना। कितना हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? करीबन मजदूरी अब देख लो ना, अपने हिसाब से तो होना चाहिए, जैसे कि कमा ले और अपने इसको भी तेल में डाल ले, मतलब ये होना चाहिए कि आप जितना कमा रहे हैं उस हिसाब से आप जेब खर्चा चल जाए। हाँ यही होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? डीजल पेट्रोल महंगाई तो है, तो बहुत काफी है, गरीब आदमी तो बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? ये सभी को, ये सरकार है, जो सरकार को तो है ही, कम से कम मोदी सरकार को आप जिम्मेदार मान रहे हैं इसको लेकर? मोदी सरकार को, मोदी सरकार का ये सभी के लिए है। सभी के लिए? सभी कौन मतलब? सभी सरकार, ये डीजल सरकार तो इस समय मोदी जी की है। पेट्रोल डीजल कम ही होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखिए आप, जैसा कि आप लगातार आपको दिखा रहे हैं, और पेट्रोल के दाम और बढ़ाने चाहिए, क्योंकि वो भूखे मर रहे हैं, पब्लिक पर बोझ बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भूखे मर रहे हैं और क्या करें, पब्लिक मर रही है ना। 200 रुपए किलो तेल बिक रहा है, मोदी जी की आंख बच गई है क्या? पब्लिक कितनी मर रही है, चीनी 42 रुपए किलो हो गई, कहीं ध्यान है मोदी जी का? तेजी पर कहीं ध्यान है? पब्लिक किस तरह से मर रही है, एक खाली वो गेहूँ बांट रहे हैं, सबको पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनता काफी ज्यादा आक्रोशित है और गुस्से में है कि मोदी जी के अंधे हो गए, इस तरीके से लोगों के शब्द हैं
जो कि मतलब काफी सुनने में ऐसा लगा कि लोग बहुत ज्यादा परेशान है। तो आगे चलते बात करते हैं लोगों से कि वो और लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे बढ़ते हुए महंगाई को लेकर। जी महंगाई बहुत हो चुकी है, आम लोग भी और किसान लोग भी बहुत परेशान है इससे। ये महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रोल भी तेल भी बहुत महंगा हो गया है, बहुत तेजी से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी 101 हो गया है। जी पहले था वो सही था, अब ये बहुत महंगा हो चुका है, तो लोग वाले भी परेशान हो रहे हैं ना इस समय पे, क्योंकि काम धंधा नहीं है। लोग पांच सौ की छोड़िए, आपकी जेब पे क्या फर्क पड़ा है इसको लेकर? पड़ा है जी फर्क, पैसे नहीं है, कमाई भी नहीं है, अब कैसे करे काम। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या आपकी कोई राय हो? मैं तो ये कहना चाहूँगा जो मतलब गरीबों की सुने, मतलब सस्ता ही आए, तेज हो गया है जो भी, मतलब उसको सस्ता करने की सोचे। आप क्या कहना चाहेंगे? तेल तेजी से, अगर ऐसी कंडीशन रही तो दोबारा पहले ऐसी साइकिल निकले आएंगी, दो पहिए की साइकिल ही चलाएंगे फिर तो। आप साइकिल चलाने के लिए मतलब इतना बुरे दिन आ गए, आप ये कहना चाहेंगे? ऐसी सरकार रही तो ऐसे ही दिन आ जाएंगे। सरकार को डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं, सरकार ही कर रही है, और उसको आम पब्लिक तो कर नहीं रही इसको। आप खुद देख रहे हैं कि सरकार को डायरेक्ट ब्लेम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि साइकिल वाले दिन आने वाले हैं, तो इसी आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर? बढ़िया मोदी जी, हम बहुत बढ़िया आदमी है साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़िया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दालें बढ़ रही हैं, और जब तो हम भिखारी बनेंगे, मतलब आप इनडायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं, जब तो हम भीख मांगेंगे। लोगों की ये कंडीशन हो गई है कि लोग ये कह रहे हैं कि भीख मांगने की तक की नौबत आ जाएगी अगर यही हाल रहा तो। चलिए जान लेते हैं और लोगों से कि क्या कहना चाहेंगे। बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सभी लोग परेशान हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ इस समय जो रेट है 101.89, इस समय ये पेट्रोल का दाम है जिससे लोग काफी परेशान हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों से बात कर लेते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं 100 अड्डे के पेट्रोल पंप पर, तो लोगों से जान लेते हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर ये लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर? बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगा हो गया, कम होना चाहिए। जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? सरकार को मान रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या मतलब सरकार को दोषी मान रहे हैं तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए पेट्रोल डीजल के दाम? कम होने चाहिए। मैम महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करे, और देखे जाए तो देश में जो रोड्स वगैरह बना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या मतलब आपकी पॉकेट पे क्या इसका असर पड़ा है? थोड़ा बहुत असर है, अब ये कि थोड़ा पर्यावरण के तो पेट्रोल आज बंद हो जाएंगे वाहन, हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक वाहन आए। इलेक्ट्रिक चाहते हैं आप, मतलब आपने बिल्कुल ही पेट्रोल डीजल का ऑप्शन ही खत्म कर दिया, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा एक तरीके से, अच्छी बात है ये तो। ये भी मुझे काफी अच्छा लगा इनकी राय, ये है कि इलेक्ट्रिक वाहन आ जाए ताकि पेट्रोल डीजल की टेंशन ही खत्म हो जाए, लोग इस कदर परेशान है। तो जान लेते हैं आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर? मैम बढ़ तो रहे ही है दाम, हर चीज पे महंगाई आ रही है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, और जरूरी चीज है, ऐसा भी नहीं है इसके बिना हम कि ये कह सकें कि ट्रांसपोर्टेशन में कि भाई इसमें हम कमी कर सकते हो या ये कर सकते हैं, जरूरी है, डलवाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है आम आदमी की। तो घर पे और आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है इसको लेकर? मैम असर तो बहुत कुछ पड़ रहा है, अब जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले मान लो एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये आती थी किसी चीज़ के लिए, अब वो चीज़ बढ़ के 60 रुपये आ गई, तो ऑलरेडी वो चीज़ उस चीज़ की हमें महंगाई पे ही मार पड़ रही है। मान लो कोई चीज़ पहले हमें यहाँ पे मिल रही थी 10 रुपये की, तो उसको ऑलरेडी 12 या 13 रुपये हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, हर चीज़ का फर्क पड़ रहा है उसका। तो और भी महंगाई बढ़ रही है, तो इसको लेकर दोषी किसको मान रहे हैं? मैम इसका दोषी हम किसी एक चीज़ पर नहीं कह सकते, इसका एक्चुअली इसका इंटरनेशनल इफेक्ट भी पड़ रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान का भी मैटर चल रहा है और भी है, तो काफ़ी चीज़ मायने रखती है। तो और देशों में तो पेट्रोल काफ़ी सस्ता भी है। सस्ता तो है, लेकिन यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी वगैरह इतनी लगा रखी है सरकार ने कि उसके मारे भी दिक्कत आती है, जो बाकी के टेस्ट हैं जीएसटी में भी काफ़ी टैक्स वगैरह भी जीएसटी में तो नहीं। आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सही है ये गलत है? गलत तो है ही है, ऑब्वियसली गलत तो है ही है, सरकार को इसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, इनकी राय यही है। जान लेते हैं आगे क्या कहना चाहेंगे बढ़ते हुए दामों को लेकर, आपकी क्या राय है बढ़ते हुए दामों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर? लूटा जा रहा है जनता को, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनके इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट लगातार डाउन हो रहा है, और यहाँ पर रेट उल्टे बढ़ रहे हैं, आदमी के अब सांसों पर टैक्स लगना बाकी है, बाकी सब चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया ही जा रहा है।
ठीक है ना। तो जान भी तो सस्ती हो गई है, आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी में जो हुआ है इसको लेकर, और भी जान की भी कोई कीमत नहीं है। जान तो जान की भी कीमत नहीं है, ये राम राज्य है, ये राम राज्य, इसको हम राम राज्य कह सकते हैं मैडम। यहाँ आदमी को जो है ना रोटी के फाके पड़ जाए ना, अब हमारा देश गरीब भूखों के नंबर में 111 देशों में कौन सा नंबर है हमारे देश का? हमसे ऊपर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो हमारे टुकड़ों पर पलता था, वो हमसे हमसे जो है हमसे अच्छा काम कर रहा है। नेपाल हमसे ऊपर है, हम इतने बॉटम में आ गए कि कुछ मत पूछिए। ये देश का विकास है। क्या कहना, क्या कह रहे थे आप बताइए? जो योगी और मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, इनका गुनाह इनको भोगना पड़ेगा। देश में गरीब जनता किसी पर खाने के लिए है, किसी पर नहीं है, किसी पर पेट्रोल भराने के लिए है, किसी पर नहीं है, कहाँ से क्या काम होगा ये बताइए, योगी मोदी जी से पूछिए। योगी जी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और ये बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज तक कुछ वादे जितने किए आज तक कुछ वादे उनके पूरे नहीं हुए। खाली देश में खाने के लिए आए, खिलाने को किस गरीबी को गरीब को नहीं आए, खाली गरीबों को हटा रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे हैं। अभी तो अमृत महोत्सव हुआ है, मोदी जी का कहा जा रहा था, उन्होंने आवाज दिए है गरीब जनता को। वो तो बड़े आदमियों का अमृतसर महोत्सव हुआ था, गरीब आदमी का किसके लिए हुआ था? गरीब बैठे थे वहाँ देखने को, देखने कौन गरीब है, सब उनके चंद्र को चोटते है। उन्होंने बोला दारू के ढेगे बंद होंगे, बलान बंद होगा, डिबैंक बंद होगा, पैसे पहुँच गए तो आज तक कुछ नहीं हुआ। चैन से मांस बिक रहा है मंदिर के आगे, दारू बिक रही है, सब धंधा हो रहा है। उनकी पार्टी के आदमी सब कर्म कर रहे हैं और आदमी गरीब कर रहे हैं, तो सब ढगेल वालों को व्यापार नहीं करने दे रहे, सब आदमी गलत कर रहे हैं। 110 रुपए का कर आप देख रहे हैं। जैसे लोगों के कहना ये है कि जहां योगी सरकार के द्वारा मांस और मंदिरा का सेवन बंद करवाने के आदेश दिए गए थे, उसके बाद भी अभी भी यहां पे लोग इस तरीके का सेवन चल रहा है, लोगों के कहना ये है। आगे जान लेते हैं और लोग क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर।